ये सुनकर हम लोगों की आंखों में आंसू हैं। मैं नहीं बल्कि मेरा पूरा परिवार आज दुखी है, इसलिए दुखी है कि यही जगह है वो जहां नेताजी 1994 में आए थे जब मुख्यमंत्री थे, जब मेरे पे एक आरोप था बम ब्लास्ट का और मैं जमानत पे छूट कराया था सुप्रीम कोर्ट से। यहां के पॉलिटिकल लोग मेरे साय से दूर भागते थे। उस वक्त एक नेता थे, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, कांग्रेस के, उनको मुख्यमंत्री ने कहा कि तुमको मैं इसलिए मंत्री नहीं बनाऊंगा कि तुम अबू आसिम के रिश्तेदार हो। मेरे साय से लोग भागते थे। ऐसे वक्त में एक मुसलमान उपेक्षित समाज के वर्कर के ऊपर नेताजी ने यही आकर मेरे सर पे हाथ रखा। लोगों ने मना किया कि मत जाओ उनके पास, वो आरोपी है बहुत बड़े केस का। नेताजी ने कहा मैं जानता हूं ये झूठ है, और नेताजी ने कहा अबू आसिम तुम काम करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। बहुत अखबारों में नेताजी के खिलाफ बहुत छपा, लेकिन नेताजी बिल्कुल पहाड़ की तरह से खड़े होकर उसका मुकाबला किया। मैं निर्दोष था, मेरा कोई दूर दो तो लेना नहीं। यही नेताजी ने मुझे पार्टी में लाने की बात किया, मैंने कहा मैं कभी इलेक्शन नहीं लड़ूंगा, मैं आपकी पार्टी बढ़ाऊंगा क्योंकि आप यूपी में जो काम कर रहे हैं शायद पूरे देश में कोई नहीं कर रहा है। और मैं कभी इलेक्शन लड़ता नहीं था, मैंने जिनको लड़ाया वो उन्होंने गद्दारी किया, दूसरी पार्टी में सत्ता के राज में भाग गए। नेताजी मुझे डांटा और प्यार से कहा तुम राज्यसभा में जाओ। मैंने कहा नहीं नेताजी मैं नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन डांट के उन्होंने भेजा। यहां पर एक बार एमएलसी का चांस आया, उन्होंने कहा तुम बनो, मैंने कहा नहीं मैं हुसैन दलवाई को बना देता हूं। कहा नहीं मत बनाओ, तुम बनो, मैं नहीं बना। मैं उनके वसूलों को लेकर चलता रहा। मुझे नेताजी की मोहब्बत मेरे दिल में है। जब मैं लखनऊ कभी जाऊं तो नेताजी अपने पास बुलाकर खाना खिलाते थे, मिठाई खिलाते थे, चाय पिलाते थे, और जईफ होने के बाद भी जब खुद उठ नहीं सकते थे लोगों को सहारे से उठ के कंधे पर हाथ रखकर मुझे गाड़ी तक छोड़ते थे। आप लगातार कह रहे हैं कि जब आपका आपके ऊपर ब्लास्ट का आरोप लगा आप भावुक भी हो गए, रो भी रहे हैं कि उस समय में आपके साये से लोग भागते थे, आपको लोग दूर दूर तक पहचानने से इनकार करते थे जिस समय नेताजी हाथ पकड़ा। जी हाँ बिल्कुल, और जिन अफसरों ने मुझे पकड़ा था बेगुनाह, मुझे नेताजी